हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट वन जो है वो देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है। इससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोगों ने जो है वीडियो में व्यूज़ तो बहुत आए हैं लेकिन लाइक बहुत कम आए हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जनसंख्या एवं आकांक्षी जिलों के महत्वपूर्ण सूचकांक जो है इसमें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में क्रमशः 21.47% जो है वो किशोर अवस्था वाले व्यक्तियों की है, किशोरों की है, और जो 19.53% है वो युवाओं की जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की टोटल जनसंख्या में। उसमें साक्षरता का प्रतिशत अगर देखें तो किशोरों की जो 21.47% जनसंख्या है उसमें 32.76% जो है वो साक्षर हैं। उसी प्रकार युवाओं में देखें तो 19.53% जनसंख्या में 28.37% जो युवा हैं वो साक्षर हैं। इसी प्रकार देखें छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य सूचकांक तो 0.52% है। अब देखते हैं राज्य आय, तो वर्ष 2018-19 के प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में जो है 2017-18 से मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 9.66% अधिक, मतलब 9.66% की जो है वो वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में अनुमानित है। और वहीं देखें 2018-19 के स्थिर भाव, 2011-12 के स्थिर भाव में तो GSDP में अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर 2017-18 पिछले वर्ष की तुलना में 6.08% वृद्धि हुई है। ये प्रचलित भाव में वृद्धि है और ये स्थिर भाव में वृद्धि है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि देखें जहाँ से GSDP में जिसका योगदान रहता है तो वो देखें, कृषि क्षेत्र में जो है स्थिर भाव पर वृद्धि जो हुई है अग्रिम अनुमान 2018-19 में, तो कृषि क्षेत्र में 3.99% रहने की संभावना है, उद्योग में 5.36% और सेवा में 6.93% रहने की संभावना है। वर्ष 2018-19 में अखिल भारत के स्थिर भाव, 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में 7.2% वृद्धि हुई है, मतलब ये अखिल भारत, अभी छत्तीसगढ़ का डाटा देखें ये भारत अखिल भारत के स्तर पर है स्थिर भाव में, तो 7.2% जो है वो वृद्धि है। जिसमें अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में 3.8%, उद्योग क्षेत्र में 7.8% और सेवा क्षेत्र में 7.3% वृद्धि जो है वो अनुमानित है, ठीक है। इसी प्रकार देखें पिछले 5 वर्ष की भांति उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है GSDP में वो स्थिर भाव 2011-12 की स्थिति में अगर देखा जाए तो 2018-19 में सर्वाधिक 47.17 होना अनुमानित है, मतलब उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार देखें प्रति व्यक्ति आय, तो छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय जो है 96,887 रुपये अनुमानित है, 96,887, और अखिल भारत के स्तर पर अगर देखें तो 1,25,357 रुपये अनुमानित है। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा स्थिर भाव में 2011-12 की स्थिति में देखें तो कृषि वानिकी और मछली उद्योग का जो है 2017-18 में 17.49% थी, जो घट गई है। इसको याद रखिएगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृषि और वानिकी क्षेत्र जो है वो घट कर 17.49
2.1% रह गई है। उसी प्रकार देखें उद्योग क्षेत्र में भी, तो उद्योग क्षेत्र में भी कमी आई है 47.31% से 47.17% हो गई है। उसी प्रकार देखें सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र में 35.21% थी स्थिर भाव में, जो 35.63% हिस्सेदारी हुई है GSDP में। तो ये याद रखना, ये प्रतिशत हिस्सा है स्थिर भाव पर। अब देखेंगे प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि, मतलब जो प्रचलित भाव है उस पर इन क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो उसमें देखें कृषि वानिकी और मछली उद्योग में जो है 9.8% थी 2017-18 में, तो 2018-19 में 8.33% हो गई है, इसमें भी कमी आई है। उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें तो 10.60% थी, जो 7.85% हो गई है। और वहीं सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में 13.61% वृद्धि हुई थी प्रचलित भाव पर, जो 2018-19 की स्थिति में 11.40% हो गई है। वहीं GSDP की बात करें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो बाज़ार मूल्य में अगर देखें तो ये 11.57% थी, जो 9.66% हो गई है। तो ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये प्रचलित भाव पर पूछा जा रहा है कि स्थिर भाव पर। उसी प्रकार देखें तो ये छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा, तो ये कृषि प्रचलित भाव पर जो देखें प्रतिशत हिस्सा, अभी स्थिर भाव पर देखे थे और ये प्रचलित भाव पर, तो प्रचलित भाव पर क्या रहा है कृषि वानिकी और औद्योगिक मछली उद्योग में 2017-18 में 21.39% थी, जो 21.22% हो गई है। वहीं उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उद्योग क्षेत्र में 42.23% थी, जो 41.69% हो गई है। सेवा क्षेत्र में देखें तो 36.38% थी, जो 2018-19 में 37.10% हो गई है। तो ये डाटा डायरेक्ट पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय, अभी हम लोग प्रति व्यक्ति आय देखे थे, उसी को डिटेल में यहाँ पर देखते हैं क्या है। प्रति व्यक्ति आय 2018-19 में बाज़ार मूल्य पर 96,887 रुपये अनुमानित है, वहीं 2017-18 की स्थिति में ये 89,813 थी, 89,813 थी यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें आप लोग इसको माइनस करके निकाल लीजिएगा कि इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो वो भी पूछा जाता है। तो वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय में परसेंट में यहाँ पर दिया है 7.88% की जो है वो वृद्धि हुई है। आप लोग रुपए में भी एक बार इसको निकाल लीजिएगा कि कितना प्रतिशत का वृद्धि, कितने रुपए की वृद्धि हुई है, ठीक। वही हम लोग देखें छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, तो प्रदेश के गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार गरीब राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है। तो ये पहला राज्य बना है खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना कि इसमें छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में, ठीक है। आगे देखेंगे राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए 82% जनसंख्या जो है, अर्थात 2.12 करोड़ लोगों को न्यूनतम 7 किलो प्रति सदस्य, मतलब एक सदस्य के पीछे 7 किलो मान से 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल वितरित किया जा रहा है। तो ये आप लोग को ज्ञात होगा गांव क्षेत्रों में जहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से 1 रुपये प्रति किलो की दर से जो है चावल वितरित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये हम लोग देखें छत्तीसगढ़
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य के 2 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति सदस्य के मान से 3 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में 7 किलो प्रति सदस्य 1 रुपये प्रति किलो की दर से, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब केंद्र सरकार की ओर से 5 किलो जो है प्रति सदस्य 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल वितरित किया जा रहा है। ठीक, तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल उत्सव। चावल उत्सव क्या है? तो चावल उत्सव राज्य शासन जो है राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है, जहां साप्ताहिक हाट बाज़ार भी लगते हैं, वहां माह की 6 तारीख के बाद हाट लगने वाले हाट बाज़ार के दिन चावल उत्सव जो है आयोजन किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। कॉल सेंटर की स्थापना की गई है पीडीएस सिस्टम के लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अगर आपको कोई भी शिकायत करनी हो, किसी भी संबंध में जानकारी लेनी हो, तो ये टोल फ्री नंबर है 1967 और 1800233663। ये टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके किसी भी संबंध में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये क्या है, आपको सबको पता होगा। राज्य में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 17-18 में कुल 19.34 लाख बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किया गया है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? गैस से। इसमें 19.34 लाख बीपीएल परिवार को 16-17 और 17-18 के डेटा के अनुसार एक साल में लगभग 20 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। 2018-19 में 15.19 लाख नए गैस कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2018-19 का लक्ष्य कितना है? 15.19 लाख नए गैस कनेक्शन। उसी प्रकार देखें मुद्रा योजना। मुद्रा योजना क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, इसी को मुद्रा बोला जाता है, MUDRA मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को घोषित हुई थी। कब? 8 अप्रैल 2015। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों और दुकानदारों को ऋण की सुविधा 3 चरणों में दी गई है। तो देखते हैं, आइए कौन कौन से चरण है। तो पहला है शिशु ऋण योजना। तो ये शिशु ऋण योजना 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। इसमें किशोर ऋण योजना में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, और तरुण ऋण योजना में 5 लाख से 10 लाख तक के जो है वो लोन दिया जाता है। उसी प्रकार देखें सुकन्या समृद्धि योजना। तो यह योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। यह 22 जनवरी 2015 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, बैंक में अपनी जो लड़की के नाम से पैसा जमा करना है, उस जिसमें जो ब्याज है, वर्तमान ब्याज की जो दर है उसमें ये 9.2% ब्याज जो है वो सरकार आपको देगी, जिसको बाद में बेटियां ही उसमें से निकाल सकती हैं। इसी प्रकार देखें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वांगीण ग्रामीण और कृषि विकास के लिए 4 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। पहला है नरवा। नरवा मतलब नदी का पानी जो खेतों तक पहुंचाए जाने के लिए नरवा के बाद नहर से, छोटे और छोटे नहरों से जो है वो खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो ये है नरवा। दूसरा है गरवा। गरवा मतलब गाय को बोलते हैं, गाय के झुंड को गरवा बोला जाता है। तीसरा घुरवा। घुरवा मतलब कचरा जो फेंकते हैं ग्रामीण इलाकों में, गड्ढा खोदकर जिसमें कचरा डाला जाता है,
जो चूल्हों से खाना बनाते हैं उस पहले तो उसमें से जो खाद निकलती थी वो सब उसमें डाला जाता था। वही गाय के गोबर से बनी खाद जो है बाद में उसका प्रयोग खेतों में किया जाता था। यही है घुरवा। और चौथा है बाड़ी। बाड़ी मतलब बागान, जो आप लोग जानते ही हैं। तो ये चार बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जिससे गांवों का विकास हो सके। इसी प्रकार देखते हैं कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, तो प्रदेश में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से मार्च 2018 की स्थिति में 20.88 लाख हेक्टेयर सिंचित है। मतलब 2018 मार्च 2018 की स्थिति में कुल क्षेत्रफल का 20.88 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन जो है कृषि पर ही निर्भर है। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों को में से 76% लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में आते हैं। मतलब टोटल है 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें 36% जो है लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। जो जितने भी क्षेत्र हैं उनमें से 36% में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कृषि यांत्रिकीकरण योजना विभिन्न कृषकों कृषि कार्यों के सुगमता पूर्व एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है। मतलब कृषि यांत्रिकरण योजना जो है गांव में जो फसल जो उत्पादन किया जाता है, फसलों का उत्पादन उनमें कम समय में कैसे ज़्यादा फसल लिए जाएं, उसी के लिए जो कृषि यांत्रिकरण योजना लाई गई है, जिससे गाँव के लोगों को रोज़गार भी मिल सके। इसके तहत जो है कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना करने के लिए 10 लाख तक की जो है वित्तीय सहायता ऋण जो है प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अब तक 1040 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। 2018-19 में राशि 2000 लाख का प्रावधान किया, जिससे प्रदेश में 225 कृषि यंत्र जो है सेवा केंद्र स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना प्रावधान है? 2000 लाख का। किसान शॉपिंग मॉल, तो किसान शॉपिंग मॉल जो है कृषकों की सुविधा हेतु 2.29 करोड़ की लागत से वर्ष 2010 में राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण किया गया है। यहाँ से कृषि संबंधित जितने भी उपकरण हैं, बीज हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट था छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का। आशा है आपको पसंद आया होगा और इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स कर लें और अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उन सब में सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।